अरे डेजर्ट बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से है. द नूडल्स आर वेरी प्रॉपरली कुक्ड. इट हैज अ गुड स्पाइस टू इट. बट द ओनली थिंग आई वुड प्रेफर यू नो दाल तो सेम दे सकते थे ना. ये इतना टेम्प्टिंग और ये मरीजो वाला खाना. यू आर फॉरबिडन फ्रॉम एंटरिंग माई स्टमक. हाय गाइस, व्हाट्स अप. तो हम बेसिकली आज करने वाले हैं ईटिंग एयरपोर्ट फूड फॉर 24 आवर्स, क्योंकि हम 24 आवर्स एयरपोर्ट में ही रहने वाले. तेरे पास कोई और रास्ता है? सो हम बेसिकली अभी जा रहे हैं सिंगापुर और बीच में ऐसा मुंबई में लेओवर है 4 आवर्स का. हाँ, सो हम अभी चलते हैं बैंगलोर के एयरपोर्ट लाउंज. आपको पहले लाउंज दिखाऊंगी फिर खाना खाएंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है. और हम हैं प्रीमियम वाले लॉन्ज में, ठीक है ना, सस्ते सस्ते लॉन्ज में नहीं है हम हाई क्लास. फ्री ड्रिंक्स भी मिलती हैं. वेट वेट वेट, फ्री नहीं बोलने का. क्या बोलने का? कॉम्प्लीमेंट्री बोलने का. फ्री इज टू मिडिल क्लास. अबे हम भी मिडिल क्लास ही है. हमें कार्ड्स पे फ्री एक्सेस मिला तो बड़ा पता नहीं अंबानी क्यों बन रहे हैं हम. चल लेते हैं, क्या लेना. हर सब कुछ एक एक ले ले. बैग लेके आओ. बैग में भरो. बैग में भरो. बैग में भरो. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. ओके, सो सबसे पहले लाइव काउंटर है हमारा. यहाँ पे देयर इज रागी डोसा प्लेन एंड मसाला और यहाँ पे चटनियाँ वगैरह भी है डोसा के साथ. उसके बाद वी हैव लाइव पिज्जा विच इज क्रेजी चिकन पेपरोनी एंड गार्डन फ्रेश वेजीज. एंड लास्ट इन द लाइव काउंटर इज चुरोज विद स्पाइस चॉकलेट सॉस. अब आई डोंट नो व्हाई इट्स कॉल्ड स्पाइस चॉकलेट सॉस बट देखने में इट लुक्स वेरी टेम्पटिंग सो वी आर गोइंग टू ट्राई इट आउट. ओके, तो बफे शुरू हो चुका है हमारा और सबसे पहले हमने ये चिकन क्रोसॉ लिया है एंड फ्रेश फ्रूट्स बनाना पेयर something called as grilled chicken sausage and salad, zaatar, labna, beetroot, hummus and a lot of stuff. फिर यहाँ पे there is pav bhaji also और ये है cheese jalapeno croquettes. फिर there is potato veggies, there is biryani with raita and we have कुछ pesto paneer something, वेज चाउमिन. ओके, अब कमिंग टू डेजर्ट. सबसे पहले तो वी हैव सम स्लाइस्ड पाइनएप्पल और बनाना चॉकलेट पुडिंग. वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड इज चॉकलेट सिग्नेचर जो काफ़ी क्यूट सी सा लग रहा है. एंड फिर ऑरेंज क्रेम काटा लाना. आई डोंट नो व्हाट दिस इज बट ओके दिस लुक्स इंटरेस्टिंग. ओ देर इज समथिंग कॉल्ड इज फॉरबिडन राइस पायसम. ऑल्सो कोकोनट जामुन. सारे डेजर्ट बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से है. एंड देयर इज सम चॉकलेट मिल्क शेक, देयर इज सम वाटरमेलन जूस, सम बटर. ओके, फूड क्रिटिक गिव अस योर रिव्यू. सबसे पहले नूडल्स. द नूडल्स आर वेरी प्रॉपरली कुक्ड. इट हैज अ गुड स्पाइस टू इट बट द ओनली थिंग आई वुड प्रेफर यू नो. बस एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग. अच्छा है, बिरयानी है दुखते होकर, मतलब चावल आधे पके हुए हैं. ओके, दीज आर सम फिश फिंगर्स. ठीक है, गाइस डेजर्ट पे आते हैं, मेन बात करते हैं. चलो, दिस इज दैट चॉकलेट डेकेडेंट. दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन डेजर्ट. बहुत अच्छी लग रही है ऐसे मूज और चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी. ये ट्राई करते हैं. दिस इज फॉरबिडन राइस का पायसम. आई डोंट नो व्हाई इट इज कॉल्ड फॉरबिडन राइस. यू आर फॉरबिडन फ्रॉम एंटरिंग माई स्टमक. कच्चे चावल का पायसम ऐसा फील आ रहा है. तभी फॉरबिडन. एंड दिस इज द क्यूट सी ऑरेंज डेजर्ट. इट लुक्स वेरी नाइस. अच्छा, इट टेस्ट लाइक कस्टर्ड. ओके गाइस, तो उधर था हमारा लंच बफे. हम ऐसे टाइम पे आए हैं कि मतलब वो बंद हुआ है और अब डिनर बफे भी शुरू हो गया है. सो आपको वो भी दिखा देते हैं. नॉनवेज में क्या है, थोड़ी सी दाल मखनी है, देयर इज राइस एंड देयर इज कढ़ाई चिकन. और हमारे वेज मील के अंदर देयर इज येलो दाल, चावल और मतलब मिक्स वेज. गाइस आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट. ओके, दाल तो सेम दे सकते थे ना. ये इतना टेम्पटिंग और ये मरीजों वाला खाना क्यों लग रहा है. ऑल्सो जस्ट FYI, द थिंग आई लाइक ईटिंग द मोस्ट ऑन द फ्लाइट इज ये जो ये सॉफ्ट सा बन देते हैं.
उसके साथ अमूल बटर आई लिटरली मेरे साथ ऐसा होता है मैं उनको बार बार बोल सकती हूँ डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा एंड आई गेट दिस बन एंड हैव इट अमेजिंग फॉर डेजर्ट देयर इज सम चॉकलेट एंड ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है तो टेस्ट करके देखते हैं मैंगो पुडिंग सॉर्ट ऑफ हाउ इज द फूड सोचो अगर यही क्लाइमैक्स ट्रेन स्टेशन के बजाय एयरपोर्ट पे होता तो सिमरन को टॉम क्रूज की तरह प्लेन पर लटक कर जाना पड़ता ओके सो अब हमारा ना मुंबई एयरपोर्ट पे लेओवर है और यहाँ पे हम फूड कोर्ट में आए हुए हैं कुछ खाने के लिए देयर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट मतलब इट फील्स लाइक अ मॉल का फूड कोर्ट देयर स्ट्रीट फूड बाय पंजाब गर्ल जूस एशिया 7 यहाँ पे दारू वारू भी है एंड उधर है फास्ट फूड मतलब KFC मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग ऑल दैट इज देयर तो यहाँ चलते हैं लेट्स सी अगर कुछ खाने को मिलता है तो इतनी मेहनत के बाद हमने ली है 2 चाय और 1 प्रिंगल्स आप लोग कमेंट्स में गेस करो कि ये कितने का पड़ा हम मेरा क्या फायदा हुआ मुझे क्या मिला 400 रुपए भाई बहुत महंगा होते हैं और एयरपोर्ट कैसी है चाय कैसी है 150 रुपए की चाय वर्थ इट है बर्थड नहीं है बट चाय अच्छी सिंगापुर के मतलब द वर्ल्ड सबसे बड़ा एयरपोर्ट विच इज जुअल चांगी एयरपोर्ट जिस दिन हमने चैलेंज करा था उस दिन हम खा नहीं पाए क्योंकि हम अलग टर्मिनल पे रुके थे हाँ। तो अभी हम आए हैं फिर से हमारा चैलेंज खत्म करने के लिए एंड वी नो दिस प्लेस कॉल्ड शेक शैक जो सिंगापुर का बहुत आई थिंक न्यूयॉर्क का बहुत फेमस है बट सिंगापुर में भी है सो वी आर गोना सी अगर यहाँ पे है कि नहीं ये आप दिस डायरेक्टरी जहाँ पे आप ढूंढ सकते हो आपको जो सी भी जगह जाना है ठीक है क्या है शेक शैक Guys, waiting time is 30-35 minutes. Can be longer. और हमारा बजर बज गया 15 मिनट में ही फाइनली हमारा खाना आ चुका है Look at this burger. It looks so tempting. मतलब इट्स सो ह्यूज एंड मतलब फीलिंग इतनी ज़्यादा है बर्गर मतलब बन इतना छोटा सा है द रेशियो इज वेरी नाइस ओके सो लेट्स ट्राई इट आउट वी हैव सम चीज़ी फ्राइज दिस इज आल्सो लुक इनसेनली गुड अच्छा लास्ट थिंग वी हैव सम चिकन पॉपकॉर्न और इसमें 6 पीसेस है एंड इट लुक स्पाइसी ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है यम्मी ओवरऑल खाना बहुत 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 अच्छा है अगर आप सिंगापुर आओ कभी तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट शेक शैक के चिकन ऑप्शन और इनका शेक फ्राइज